एसपी, डीएम, डीजीपी के साथ बैठक कर वो कभी लॉ एंड ऑर्डर पर ये लोग कभी बैठक किया होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं, अपराधी दिन दहाड़े किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। पटना हो या फिर पटना के अलावा कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों में हम लगातार देखते हैं कि अपराधी अपना तांडव मचाते हैं। हमने सुबह में एक खबर करके बताया था कि डीजीपी आरएस भट्टी को हटाने की बातचीत चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर पर व्यवस्था को सुधारा जाए। नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। इधर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा के द्वारा बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा, जो एक तरीके से कहें, बात वो कही गई है। तेजस्वी यादव के द्वारा जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, जो आपराधिक बुलेटिन जारी किए जा रहे थे, उस पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। मंत्री रत्नेश सदा इस तमाम मामले पर क्या कुछ राय अपनी रख रहे हैं, सुनिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छे के बाद पूरे बिहार के डीएम, डीजीपी उनके साथ बैठक कर बहुत अच्छी बात है। और विपक्ष जो बोल रहा बैठक से क्या उनको कभी लॉ एंड ऑर्डर पर ये लोग कभी बैठक किया होगा। 1995 से लेकर 2005 तक कभी तो नहीं किया होगा बैठक। जो भी गुंडा पकड़ाते थे मुख्यमंत्री आवास में, फिरौती की मामला होता था मुख्यमंत्री आवास से। आज के डेट में 2005 के बाद अपराधी या तो जेल के अंदर चले गए या तो भूमिगत। अब छोटी छोटी घटना आपकी सामाजिक जो होता है तो उस जगह तो पुलिस नहीं रहती है, लेकिन जो घटना होती है तो हमारी पुलिस त्वरित कार्रवाई करके दोषी को सख्त से सख्त सजा देती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।